इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा ये इंडिया अलायंस। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। ये हमारे बोल रही है नहीं है, ये विपक्ष के बोल है। जब से इंडिया अलायंस बनी है तब से लगातार एक ही बातें उठ रही हैं। विपक्ष की ओर से एक ही बातें कही जा रही है कि इंडिया अलायंस पूरी तरीके से टूट जाएगा, ये अलायंस साथ नहीं रहेगा। राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विरोध में बना ये गठबंधन समय से पहले ही धराशायी हो जाएगा। पटना में अखिलेश यादव की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। चिराग पासवान, नीतीश कुमार दरवाजे दरवाजे भाग भाग कर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की जमीनी तैयार करने का दावा भी वो करते हैं, तो उन्हें अब इस पर जवाब देना चाहिए कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्यों नाराज हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां इस तरीके से बाहर निकलती चली जाएगी कि किसी को पता नहीं चलेगा। पटना में शनिवार से पत्रकारों से बातचीत करते हुए के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि मैंने पहले से ये बात कहता आ रहा हूं कि इंडिया गठबंधन देश की जनता का ख्याल करने नहीं बल्कि कई पार्टियों के कुछ नेताओं के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए बनाया गया है। धीरे धीरे असलियत सामने आ रही है। गठबंधन की कई बार बैठक हो गई है लेकिन संयोजक का नाम तय नहीं हुआ। इस बीच कांग्रेस पार्टी के काम करने के तरीके से अखिलेश यादव नाराज हो गए हैं। अब नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि ये हालत कैसे बनी। पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुल 230 सीटों में 229 पर अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। इनमें से वे सीट कभी शामिल थे जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज किया था। अखिलेश यादव इससे नाराज है। समाजवादी पार्टी ने भी एमपी विधानसभा चुनाव के लिए 22 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर इस लेकर कांग्रेस और समाजवादी के बीच तकरार हो गई है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले से पता होता कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है तो हम इसमें आने से पहले सोचते। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर तीखा बयान दिया। चिराग पासवान ने अखिलेश यादव की इस बात को पकड़ लिया। जहां एक तरफ अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दरवाजे दरवाजे जाकर जमीनी स्तर पर इंडिया गठबंधन खड़ा कर रहे थे और जब इंडिया गठबंधन में इस तरह की बातें आ रही हैं तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई ना कोई जवाब देना चाहिए। बुलाकर इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबर के लिए देखते रहिए।